तो बच्चों, इससे पहली कक्षा में हमने अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेदों के बारे में जाना था। उसके बाद एक बार फिर से मैं बता देता हूं, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, ठीक है। और इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जिस प्रकार कोई स्त्री अपने सौंदर्य में चार चांद लगाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार एक कवि अपनी कविता में चार चांद लगाने के लिए, ठीक है, कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग करता है, ठीक है। अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। जो शब्द अलंकार होता है, इसमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, शब्दों के माध्यम से। अब शब्दों में कैसे, इसमें तीन अलंकार ये है। पहला अनुप्रास अलंकार, जो मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ा दिया है, ठीक है, जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, ठीक है, इस तरह से। फिर यमक अलंकार, फिर श्लेष अलंकार। तो आज ये हम शब्द अलंकार के अंतर्गत श्लेष अलंकार के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद अर्थ अलंकार आएगा। अर्थ अलंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार, इन अलंकारों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें कि श्लेष अलंकार क्या है। तो इसकी परिभाषा है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। और जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे पास ब्लूटूथ है, ठीक है, इस पर चुंबक लगा हुआ है, ये देखो चिपक गया, अभी अलग नहीं होगा, ये देखो, ठीक है, ये चिपकना। लेकिन हम ऐसे शब्द भी होते हैं जो अपने आपस में चिपक जाए, ठीक है। और वो चिपकते कैसे हैं, जब एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकल जाए, ठीक है, तो उस पर अलग अलग उसके अर्थ चिपके हुए हैं। ये आप लोग समझ लें कि एक ही शब्द के जब दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो ये रही इसकी परिभाषा। अब बढ़ते हैं आगे, इसके मैंने उदाहरण लिखे हुए हैं। उदाहरण है, पहला नंबर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, ठीक है। तो सुवर्ण, यहां पर सुवर्ण एक ऐसा शब्द है जो श्लेष अलंकार, जिससे हमें पता लगता है कि ये श्लेष अलंकार है। तो सुवर्ण के तीन अर्थ निकलते हैं यहाँ पे, ठीक है, और तीन व्यक्ति है, कभी व्यभिचारी और चोर। तो भाई सुवर्ण के कैसे अर्थ निकलेंगे, तीनों के तीनों सुवर्ण ही ढूंढ रहे हैं, कभी भी व्यभिचारी भी और चोर भी, तीनों के तीनों लोग किसको ढूंढ रहे हैं, सुवर्ण को ढूंढ रहे हैं। अब सुवर्ण का मतलब क्या है, कवि के अनुसार तो सुवर्ण क्या हो गया, अच्छे शब्द, अच्छा शब्द जो होगा वो सुवर्ण हो गया। व्यभिचारी, व्यभिचारी किसे ढूंढेगा, अच्छा रूप रंग, ठीक है, कैसे, तो अच्छा रूप रंग ढूंढता है, वो असरा है, ये असरा सबसे ज्यादा है ना, लक्की भी असरा, बस मास्क ऊपर कर लिया उसने। और जो चोर होता है, वो चोर क्या करता है, सोने को ढूंढता है। तो तीनों के अर्थ ही सुवर्ण हो गया, ठीक है, सुवर्ण के सब तीनों अर्थ निकल गए, तो यहां पर श्लेष अलंकार हो गया आपका, ठीक है। अगला देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए जातन की जाई परे, है ना, श्याम हरित दुति होए। तो श्याम, श्याम के भी यहाँ पे कई अर्थ निकल रहे हैं, श्याम का काला भी होता है, श्याम का श्री कृष्ण भी होता है, ठीक है। हरित का अर्थ हो गया हरे भरे, और हरित का मतलब ये हो गया हरि भगवान, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से निकलता है। अगला, पानी गए न उबरे मोती मानुष चू। अब यहां पर पानी,
अगर पानी चला गया तो कुछ नहीं, क्या कोई भी चीज नहीं बन सकती, कोई भी चीज में विकास नहीं हो सकता। कौन से? मोती मानुष और चून। तो मोती के रूप में किसको दिया गया है? एक तो चमक, ठीक है, दूसरा मनुष्य आत्मसम्मान। मनुष्य का आत्मसम्मान एक बार चला जाए तो दोबारा नहीं आता। मोतियों में चमक चली गई तो किसी काम के नहीं है। मनुष्य का आत्मसम्मान गिर गया, खत्म हो गया तो किसी काम का, ठीक है। और साधारण जल, अगर साधारण जल जो है वो गंदा हो गया तो फिर किसी काम का, ठीक है। तो ये है इसके। और मांगन में देखी, मांगन के देखी पट देत बार बार। तो पट का मतलब हो गया, दो अर्थ हो गए पट देत का मतलब। एक तो किवाड़ बंद करना, पट का मतलब दरवाजे हो गए, और पट का मतलब कपड़ा हो गया, वस्त्र। तो ये इसकी परिभाषा है, वो उदाहरण है। समझ में आया कुछ? हाँ भाई, लक्की बताएगा, उसे नींद आ रही है थोड़ी, लक्की खड़ा हो गया, जल्दी हो जा भाई, क्या हो गया? तो फिर ठीक है, हैं? कभी नहीं मुझे, क्या हुआ, क्या शांत बैठा चल पढ़ क्या रहते हैं? कौन सी परिभाषा? जल्दी बोल रहे। हाँ भाई तुम बोलो सेकंड। चलो तुम बताओ। श्लेष अलंकार पढ़ रहे थे, उसके उसमें परिभाषा और उदाहरण, ठीक है। अभी श्याम बाबू यहाँ पे, श्याम बाबू तो यही है। हाँ श्याम बाबू बताएगा श्लेष का मतलब क्या होता है। श्लेष का मतलब सर जी चिपकना। हाँ तुम खड़े जाओ, चिपकना, बहुत बढ़िया, बैठिए, बैठो बैठो बैठो, अरे बैठ जाओ भाई तुम भी, ठीक है, सो मत, सो ही ना, सर दर्द हो रहा तेरा है, पानी पी जरा ज्यादा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि जहां पर एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले, ठीक है, दो एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले तो वहां पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। तो इस अलंकार का यही है, जैसे सुवर्ण का बताया, पानी का बताया, ठीक है। चलिए तो अगला अलंकार पे चलते हैं। कौन सा अलंकार हो गया? अर्थ अलंकार।